हेलो फ्रेंड्स, आमाकाश पांडे। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से बीवी के अंदर भी बाहर प्रोवाइड करते हैं, ये मेरा एस्टिमेशन का पार्ट 3 वीडियो है। एस्टिमेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको अच्छे देखिए, तो आपको पार्ट 3 और भी अच्छे से समझ आएगा। इसमें मैं जा रहा हूँ रीबार की क्वांटिटी निकालने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोग ब्रिक, सीमेंट और सैंड पे काम किए थे, इस बार हमारा रीबार की क्वांटिटी है। सो रैबिट एस्टिमेशन पार्ट 3 वीडियो, जस्ट गो टू शेड्यूल एंड देन जस्ट गो टू शेड्यूल एंड क्वांटिटीज। एंड ये आपका क्या है, ये क्वालिटी, ये आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा रीबार। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखे और हमने यहाँ पे देखा कि रीबार है, रीबार इज देयर, स्ट्रक्चर रीबार इज देयर, जस्ट क्लिक ओके। एंड यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ए ये है, बी नीचे है, सी ए डी है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ए बी सी आपको एंगल दे रहा है। बट अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको सिर्फ काउंट चाहिए, जैसे काउंट चाहिए काउंट ऐड कर लीजिए। बार का लेंथ चाहिए, बार का लेंथ देख लीजिए। बार का डायमीटर चाहिए, बार का डायमीटर आप ले सकते हैं। और आपको इसमें से जो चीजें चाहिए, अगर इसकी फैमिली भी देखना है कि कौन सी फैमिली से बना हुआ है, तो आप फैमिली का ले लीजिए। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको अगर सेव चाहिए तो सेव भी आप ऐड कर सकते हैं। रीबार नंबर चाहिए, कितने रीबार लगे तो भी आप निकाल सकते हैं। क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको यहाँ पे बोली जाए, टोटल बार लेंथ कितनी लगी वो भी हम चाहते हैं। इस तरह से हम लोग नंबर नियर अबाउट 6-7 आइटम्स में चाहिए। ओके, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। अगर जिसकी जरूरत नहीं, आप उसको यहाँ पे करके और इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके, फैमिली नहीं चाहिए अगर, तो आप फैमिली को भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर इन सब का टोटल चाहिए तो मैं लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ फॉर्मेटिंग पे जाइए, फॉर्मेटिंग पे जाके जिसका इसका टोटल चाहिए उन सब आप अलग से टोटल कर सकते हैं। लाइक इसका टोटल चाहिए, सेलेक्ट कैलकुलेट टोटल, क्वांटिटी सेलेक्ट कैलकुलेट टोटल, रीबार कैलकुलेट, यहाँ पर रीबार का नंबर है तो कैलकुलेट टोटल नहीं हो सकता, बार डायमीटर या टोटल एंड बार लेंथ, जो भी टोटल चाहिए सब कुछ टोटल कर दीजिए। और आप देखेंगे तो आपके सामने एस्टिमेशन आ जाएगा। बार लेंथ जो है वो 7 feet 10 इंचेस है, बार डायमीटर यहाँ पे 50 इंचेस है, रीबार वन नंबर एक है एंड क्वांटिटी यहाँ पे 71 लिखा है, एंड बार लेंथ 556 feet 2 inches दिखा रहा है। तो अगर इसमें से अगर आपको कुछ ऐड करना है, लाइक आपको कुछ भी ऐड ही करनी है, तो जस्ट गो टू फील्ड एंड जैसे कि अगर मैं थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे फाउंड किया तो फाउंड को ऐड कर दीजिए। और भी कुछ चीज़ ऐड करनी है तो आप फिर से दोबारा ऐड कर सकते हैं, ऐड करके ओके करेंगे। यहाँ पे आपको ये फैमिली, यहाँ पे एक फैमिली जो है रीबार बार की फैमिली है और काउंट इसका एक है। इस तरह से और भी कुछ ऐड करना है तो यू कैन ऐड फ्रॉम हियर। ये सेम प्रोसेस है, अगर आप ए को ऐड करना चाहते हो, ए को डी को ऐड करना चाहते हैं, बी को, ये अलग अलग आपको सी डी डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं। तो आपको यहाँ पे अवेलेबल आप करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए बी सी डी। यहाँ पे देखेंगे ए, यहाँ पे देखिए कितने का 5 inches का, बी कितने का है 2 feet 6 inches का है। सो इस तरह से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद डिफाइन करके, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह से उसको अगर हमको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, जैसे कि अभी हमारे पास वो लिस्ट है, लिस्ट देखने के लिए सेक्शन बी को सेक्शन वन पे जाएंगे। और यहाँ पे जाके अगर हमें चाहिए वो शेड्यूल चाहिए, एंड देन गो टू रिवर्स। एंड इसके बारे में पार्ट 2 हमने डिस्कस किया है, कैसे यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट पे जाके किस तरह से हम लोग अपने रिजल्ट को निकालने के लिए रिपोर्ट पे जाके शेड्यूल कर लेंगे, और शेड्यूल करने के बाद उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से रीबार का डिटेलिंग करेंगे, लाइक रीबार लगा दे तो रीबार की क्वांटिटी किस तरह से निकालेंगे। और यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से आप टेस्ट फाइल में सेव कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता कहाँ सेव कर रहे हैं तो आप टेस्ट देख लीजिए। आपको दिखाना चाहूँगा, एक्सपोर्ट पर जाइए, एक्सपोर्ट पर जाके यहाँ पे रिपोर्ट एंड देन शेड्यूल, और शेड्यूल पर जाके अगर आपको डेस्कटॉप पर सेव करना है तो डेस्कटॉप पर क्लिक करिए एंड देन करके ओके। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से हमें मिलेगा यहाँ पे इस तरह से। बट अगर आप इसे एक टेबल में चाहते हैं तो इस बेटर, क्योंकि जस्ट क्लिक है और एक्सेल खुलते इसको जैसे ड्रैग करके वहां पे लगाएंगे तो तुरंत हमें एक्सेल फाइल में इस बॉक्सेस में हमें सारी क्वांटिटीज मिल जाएंगी। आप तो बुरी बात
करेंगे इस तरह से, और यहाँ से जाकर इसको ट्रेस करेंगे। ट्रेस करके जैसे यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तुरंत देखेंगे तो हमें हर एक चीज टेबल में प्रॉपर मिल जाएगा। सो हम इस तरह से इस भी दीवार का शेड्यूल निकाल सकते हैं। डीएस कॉलम्स का हमने आपको पहले भी डिस्कस किया है, अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग ले आएंगे दीवार इस क्वांटिटी पे और मटेरियल टेक ऑफ के ऊपर, मीन्स पे मटेरियल लगाया तो कितना मटेरियल लगाया उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और जो कि पार्ट 4 रहेगा। होप यू लाइक दिस। अगर दोस्तों लाइक आपको पसंद आया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे अगर व्यूज़ बढ़ते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें कुछ और नए नए आपको चीज़ें दिखानी चाहिए, नई नई चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आपको ले आके देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से देखते रहिए एंड थैंक यू सो मच।